गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ आ चुकी है दोस्तों बेस्ट खबर। यहाँ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है दोस्तों। बता दूँ कि स्कूटनी के लिए आवेदन कल से होने वाली है। जो बच्चे कंपार्टमेंट में फेल किए थे या फिर किसी वजह से उनको क्रॉस लगा था, उनके लिए दोस्तों कल से आवेदन, ठीक है, कल से अर्थात आज दोस्तों 2 तारीख हो गई, आपको 3 तारीख से आवेदन होना शुरू हो जाएगी। जिन बच्चे को आवेदन करने नहीं आता है दोस्तों, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में उसको आगे बता दूंगा, था आगे इसमें बने रहे। देखिए बताया था किसके लिए है दोस्तों, बता दूँ कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के मैट्रिक या कंपार्टमेंट में सह विशेष पर 2019 में शामिल विद्यार्थी अंक से असंतुष्ट थे, वे स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इसके लिए 3 से 8 जून तक का आवेदन करने की तिथि दे दी है और विद्यार्थी की प्रति विषय ₹70 शुल्क देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट www.biharboard.online पर आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करनी। तो अगर आप जाएंगे गूगल क्रोम में, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों जाएंगे गूगल क्रोम में तो यहाँ देखो एक लिंक यहाँ खोल के आती होगी, दिखाया तो देखो यहाँ आप सर्च करो www. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था www. देखिए मैं दिखाया था आपको www. बिहार बोर्ड, ठीक है, biharboardonline.in, जैसे आप सर्च करोगे ये निकल के जो वेबसाइट आएगी उसे आप यहाँ पर खोल लेना। खोलने के बाद देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको फिलअप करनी है फॉर्म और कैसे कैसे भरनी है, आपको एक एक चीज़ यहाँ बताऊँगा डिटेल्स के साथ में। आइए देख लेता हूँ। तो वेबसाइट पर आकर आप ये वाली वेबसाइट पर दोस्तों जा सकते हैं। वैसे अगर मैं आएगी कल अगर आए किसी भी वक्त, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझा के दोस्तों बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्कूटनिंग करने के लिए आपको बस आपको रोल नंबर ये सब चीज़ चाहिए, अभी तो नहीं आई है, खैर रोल नंबर रोल कोड ये सब डालकर आप फ्राक से लॉगिन दोस्तों कर और उसे आप लोग आराम से कर सकते हैं, अपना एनीबॉडी जो भी करना हो दोस्तों कर सकते हैं। यही दोस्तों नियम है। और ₹70 आपको पे करनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जो भी कार्ड हो आपके पास, क्रेडिट कार्ड, उससे आप पेटीएम से पे कीजिए, उसके बाद स्कूटनी आवेदन हो जाएगी और उसी के 4 से 5 दिन के बाद आपकी रिजल्ट दोस्तों निकल के आ जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। निदान विद्या धन्यवाद, जय हिंद, मिलते रहते, धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय।